तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। सबसे पहले गाइस हम लोग बातों को शुरू कर लेते हैं ट्रिपल एच से। ट्रिपल एच के ऊपर फैंस काफी ज्यादा भड़क चुके हैं। अब आपको मालूम होगा रेसलमेनिया नाइट 2 के बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है रिसेंटली, एंड यहाँ पे ट्रिपल एच बात करते हैं रोमन रेंस कोडी रोड्स के मैच एंडिंग के बारे में। ट्रिपल एच कहते हैं कि देखो डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर सारी चीज़ें अनफिनिश रहती हैं, कुछ भी फिनिश नहीं होता है। यहाँ पर अगर आप स्टोरी फिनिश करने आ रहे हो तो वो चीज़ नहीं होगी, अनफिनिश बिजनेस है। स्टोरी कल भी कंटिन्यू होगी, परसों भी होगी, एंड चीज़ें जो है ऐसे चलते रहेंगी। तो ट्रिपल एच घुमा फिरा के ये कहना चाह रहे थे कि जो एंडिंग है ठीक है, उसे एक्सेप्ट करो, आगे बढ़ो, लेकिन फैंस ने इस चीज को एक्सेप्ट नहीं किया है। एंड ट्रिपल एच के इस वीडियो के ऊपर जब WWE ने इसको यूट्यूब पे अपलोड किया तो इसके ऊपर फैंस ने अपने डिसलाइक को दिखाया है, एंड 1500 यानी कि 1500 लाइक्स इस वीडियो के ऊपर एंड 3500 डिसलाइक्स हैं। ये किसी ने ट्विटर के ऊपर पोस्ट किया था, मेरा स्क्रीनशॉट नहीं है भाई ये, मुझे तो अभी तो यूट्यूब पे दिखते भी नहीं डिसलाइक्स, लेकिन किसी ने पोस्ट किया था, कुछ जुगाड़ वगैरह लगा के देखा होगा उसने। तो भाई यहाँ पे 3500 डिसलाइक्स हैं इस वीडियो के ऊपर, 1500 लाइक्स हैं, यानी कि दोगुने से ज़्यादा जो है यहाँ पे इस वीडियो के ऊपर डिसलाइक्स हैं। तो फैंस कितना ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हैं इस एंडिंग से आप समझ सकते हो। गए मैक्सिमम यहाँ पे आई गेस कोडी रोड्स के ही फैंस होंगे। ऐसे में गाइस ये भी है कि पावर के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है, एंड ट्रिपल एच के कंट्रोल में आने के बाद उनको पहली बार इस तरीके की हेट मिली है। लेट्स सी ट्रिपल एच आगे जाके क्या करते हैं। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि है कल के रॉ के रिलेटेड। कल के रॉ की प्रीव्यू मैं अगली वीडियो में दूंगा, जो कि आज की लास्ट वीडियो होगी, वो आएगी थोड़ी देर बाद, आई थिंक रात तक आ जाएगी ढंग से। तो फिर भी मैं आपको बता दूं कल के रॉ को लेकर एक मैसिव अपडेट है, और वो ये है कि बैड बनी, जी हां गाइस फाइटफुल की रिपोर्ट है, बैड बनी आपको कल मंडे नाइट रॉ में देखने को मिलेंगे, रॉ आफ्टर मेनिया में। एंड यहां पे मोस्ट प्रोबेबली वो बैकलैश की हाइप क्रिएट करने आएंगे, उसी से रिलेटेड कुछ। अब देखना है कि क्या बैकलैश के अंदर बैड बनी का मैच होगा, क्योंकि अगर मैच होगा तो देन बैड बनी रेगुलरली अपियर होंगे एंड उनकी फ्यूड स्टार्ट होगी। सो मे बी ये भी हो सकता है, लेकिन अभी के हिसाब से गाइस एज सच कुछ ऑफिशियल नहीं है। बस फाइटफुल का कहना है कि बैड बनी आपको रॉ में देखने को मिलेंगे कल, एंड ये मोस्ट प्रोबेबली बैकलेस की एडवर्टाइजमेंट के लिए ही होंगे। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि है ट्राइबल चीफ रोमन रेंस को लेके। रेसलमेनिया में मैच जीतने के बाद रोमन रेंस ने एक रिकॉर्ड बना लिया, एंड ये रिकॉर्ड क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। रोमन रेंस हल्क हॉगन के साथ दो ही, मतलब सिर्फ हिस्ट्री में दो ही ऐसे सुपरस्टार्स हैं जिन्होंने गाइस रेसलमेनिया के अंदर लगातार 3 बार चैंपियनशिप रिटेन करी है, हल्क हॉगन एंड रोमन रेंस। हल्क हॉगन ने भी ऐसा ही करा है पहले, इससे बहुत टाइम पहले, एंड अब जाके रोमन ने करा है कि लगातार 3 साल यानी कि हर साल 37, 38, 39 तीनों साल टाइटल डिफेंड करके टाइटल रोमन ने सक्सेसफुली रिटेन करी है, एंड ये ओनली रिकॉर्ड, यानी ये जो रिकॉर्ड है वो सिर्फ और सिर्फ रोमन और हल्क हॉगन के पास है। अगर अगले साल भी रोमन ये करते हैं तो देन रोमन इकलौते हो जाएंगे, इसके अलावा कोई नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अपनी अगली स्टोरी के बारे में जो कि जुड़ी हुई है सेथ रॉलिंस को लेके। सेथ रॉलिंस की एक पिक्चर काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है, ये लीक्ड फोटो है। सेथ रॉलिंस देख रहे थे लाइव स्टेडियम में बैठ के रेसलमेनिया को, एंड यहाँ पे गाइस आप लोग देख सकते हो कि ये वाली फोटोग्राफ, ये रोमन के मैच एंड होने के बाद की फोटोग्राफ है। रोमन जैसे ही जीते यहाँ पे कुछ इस तरीके से रॉलिंस सेलिब्रेट कर रहे हैं, चीयर्स कर रहे हैं एक तरीके से यहाँ से बैठ के। तो रॉलिंस खुश दिख रहे हैं रोमन के जीतने पर। अब ऑब्वियसली कोडी रोड से ज़्यादा ही पसंद करते होंगे रोमन को वो, क्योंकि कोडी के साथ कैसी फ्यूड है रॉलिंस की सबको मालूम है। तो रोमन को यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली सपोर्ट कर रहे थे रॉलिंस, एंड कहीं ना कहीं ये वो वाला लुक दे रहे हैं रॉलिंस की, ठीक है आगे हम तुमसे भिड़ेंगे, यानी कि आगे जाके हमारा भी मैच होगा उसके लिए रेडी हो जाओ। ये वो वाला लुक दिख रहा है रॉलिंस के चेहरे पर। बाकी सेथ रॉलिंस यानी कि रोमन के फॉर्मर शील्ड ब्रदर करेंट राइवल रोमन रेंस को एक तरीके से चीयर्स कह रहे हैं रोमन के विक्ट्री के ऊपर। बात करते हैं हम लोग अपनी आखिरी स्टोरी के बारे में जो कि है किसको लेके, जो कि हमारे रेसलमेनिया के मेन इवेंट रोमन रेंस एंड कोडी रोड्स को लेके। तो गाइस इनका मैच काफ़ी डिसअपॉइंटिंग फैशन में एंड हुआ कोडी फैंस के लिए, लेकिन इनका रीमैच होगा वो अभी से लॉक हो चुका है, एंड ये कहाँ पे होगा वो मैं आपको बता दूँ, समरस्लैम 2023 वो प्लेस होगा जहाँ पे रोमन कोडी से भिड़ेंगे, रोमन अपनी टाइटल डिफेंड करेंगे कोडी रोड्स के अगेंस्ट। इससे पहले तो रोमन हारने ही वाले हैं। अब मैं आपको बता दूँ कि अगर रोमन टाइटल हारेंगे भी तो या तो वो समरस्लैम में हारेंगे, नहीं तो फिर अगले साल वो जाएंगे चैंपियन बन के रेसलमेनिया में। तो ऐसे में समरस्लैम में ही रोमन हारेंगे अब बताया जा रहा है, क्योंकि कोडी रोड्स वहाँ पर एडवर्टाइज्ड हैं एंड रोमन भी वहां पे होने वाले बताया जा रहा है। तो इनका रीमैच जो है पार्ट 2 कोडी वर्सेस रोमन का वहां आपको देखने को मिलेगा, एंड मोस्ट प्रोबेबली वहाँ पे ये फिनिश द स्टोरी वाली चीज़ कोडी करेंगे एंड रोमन को वहाँ हरा के वो टाइटल लेंगे, ऐसा माना जा रहा है। इससे पहले भी मैच हो सकता है कोडी का, लेकिन वो सिंगल्स नहीं होगा। ऐसे में सिंगल्स अगर होगा रोमन से कोडी का तो वो होगा समर स्लैम के अंदर। बाकी इसको लेकर और कुछ अपडेट आएगी या फिर कुछ भी है न्यूज़ वगैरह तो मैं आपको आगे जाकर बताऊँगा। फिलहाल के हिसाब से गाइस इस वीडियो के लिए यही अपडेट्स है, एंड आई होप्स आपको वीडियो पसंद आई हो। एक और वीडियो आएगी
उसमें मंडे नाइट रॉ की प्रीव्यू वगैरह हम लोग कवर करेंगे एंड और कुछ अपडेट्स होगी तो वो अगली वीडियो होगी उसका वेट करना। फिलहाल लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो शेयर कर सकते हैं आप लोग अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ में एंड फॉलो कर सकते हैं मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, दोनों के लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट ऑफेयर काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो में।